नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी फूडी किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए पिज्जा टिक्की, जिसे हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में काफी टेस्टी और हेल्थी होती है। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं पिज्जा टिक्की की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आलू का प्रयोग किया, जिन्हें मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ऑरिगेनो और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे। यहाँ मैंने एक गाजर लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक शिमला मिर्च लेंगे, जिसे बारीक चॉप कर लेंगे, और एक प्याज लेंगे, जिसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ अपनी पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें कॉर्न का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ अरारोट भी डाल सकते हैं, और सबको अच्छे से मिला लेंगे। जब हमारी अच्छे से मिल जाएगी तो हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इनकी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हमारी ये टिक्कियाँ बन जाएंगी तो हम इनके ऊपर पिज्जा सॉस लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर केचप का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। यहाँ मैंने मोजरेला चीज़ रखी है, और हम इन्हें ऊपर से टिक्की से कवर कर देंगे। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, जिनसे हम इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, जिसमें ऑयल डालेंगे। इन्हें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 टिक्की रख देंगे और इन्हें अच्छे से नीचे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब हमारे नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब हमारे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारी पिज्जा टिक्की बनकर तैयार है। आप इन टिक्कियों को अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वह पिज्जा बर्गर सब खाना भूल जाएंगे और बार बार आपसे यह टिक्की बनवाएंगे। आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।